ओके। सबसे पहले गूगल, गूगल में जाने के बाद यहाँ पे मैं सर्च इंजन में जाने के बाद टी एल ए क्या बोलते सर्च करूँ मैं, यहाँ दिख रहा हूँ एंटर। तो सबसे पहले क्या है, मीनिंग इन द कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी। अगर आप इसको दूसरे गूगल में चेक करना चाह रहे हैं तो सेम अगर यहाँ पे क्लिक कर दो, यही ओपन हो रहा था, तो दूसरे में क्लिक करने के लिए कंट्रोल प्लस वो लिंक के ऊपर जाके आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, आपको दूसरा यहाँ पे ओपन हो रहा है सर्च, जो लिंक ओपन हो रहा वो इसी पर नहीं होगा, दूसरे ऑटोमेटिक टैब इंसर्ट करके उसके अंदर आपको लिंक ओपन मिल जाए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जे, इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अब फाइल कुछ आप डाउनलोड करें, फाइल जैसे आप फोटो डाउनलोड करें या कुछ फाइल डाउनलोड करें, उसको आप देखने के लिए कंट्रोल प्लस अगर जे का इस्तेमाल करें तो सिस्टम में जितनी भी डाउनलोड्स है वो आपको इसमें डिस्प्ले कर देता हूँ। अभी तो फिलहाल इसमें सिर्फ एक ही डाउनलोड है, कुछ भी नहीं किया गया। अगर आप कुछ करें तो कंट्रोल प्लस जे की मदद से शो इन फोल्डर, जहाँ आप जाके क्लिक करेंगे ये फोल्डर सिस्टम में जहाँ पे भी सेव हुआ वहाँ पे आपको पर्टिकुलर दिखाएगा, वहाँ से आप उसको चेंजेस कर लो या वहाँ से उसको मूव करके दूसरी जगह भी उसको लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच हिस्ट्री, जो भी आप ब्राउज करें, जो भी आप ओपन करें, टाइम डेट और सेकेंड के साथ पूरे सिस्टम में आपको दिखाएगा। अगर आप उसको डिलीट करना चाह रहे हो कंट्रोल प्लस एच की मदद से डिलीट भी कर सकते हैं और उसको पूरा क्लियर भी कर सकते हैं, सिस्टम से भी निकाल दे सकते हैं पूरा, ताकि दूसरे कोई भी उसके बारे में आपको नहीं देखे। फॉर एग्जाम्पल मैं जाके चेक कर रहा हूँ लैपटॉप पे क्या क्या ओपन करें, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्लस एच टुडे फ्राइडे सितंबर 30 2019 329 क्या ओपन करें, दिखा देता हूँ। 329 के बाद क्या क्या करें, संडे सितंबर 8 2019 1:38 PM को कोसा लिंक ओपन करो। अब मेरे को उसको क्लियर करना है, उसको मेरे को क्लियर करना है, तो यहाँ पे राइट साइड में क्लियर ब्राउजिंग डेटा होकर रहता हूँ, तो उससे सबसे पहले आपको जो जो क्लियर करना है उसके ऊपर जाके आप सिलेक्ट। अगर आप दूसरों को नहीं बताना चाह रहे कि आपके सिस्टम में क्या काम हो रहा, आप जो भी डाउनलोड करें, जो भी फाइल्स, जो भी लिंक ओपन करें, अगर नहीं दिखाना चाह रहे तो आप सिस्टम में कंट्रोल एच की मदद से, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर इंटरनेट कैफे रहते हैं, आप जाके अपना पर्सनल मेल आईडी हुआ कुछ भी काम करें उसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एच की मदद से आप कर सकते हैं। पूरा क्लियर कर दे डेटा जो भी आप ब्राउज़ करें पूरा क्लियर। नेक्स्ट F5 एग्जाम का क्वेश्चन है, F5 रिफ्रेश द पेज। अगर समझो पेज आप क्या हुआ, स्टॉप हो गया, कुछ रुक गया, कुछ भी क्लिक करें आप हैंग हो गया, तो उसको आप रिफ्रेश करने के लिए माउस का प्रेस करने जरूरत है, जस्ट वी कैन टाइप फंक्शन की F5। F5 को आप जितनी बार आप प्रेस करेंगे उतनी बार वो पेज को क्या करता, रिफ्रेश करते रहता, जब तक आपको हैंगिंग का प्रॉब्लम सामने आता है लेकिन F5। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं अगर डेस्कटॉप के ऊपर जाने के बाद F5 बोल के टाइप किया, यहाँ आपको मैसेज नहीं हो रहा लेकिन लास्ट में दिखाया था एक बार, ठीक है ना, वो ब्लिंक होता हो ब्लिंक। नेक्स्ट विंडो प्लस यल, अब ऑफिस में या स्कूल में जॉब कर रहे हैं आप, आपको बाहर जाना है चाय पीने के लिए, आपका सिस्टम कोई और नहीं देखा, इसके लिए आप क्या करते हैं विंडो प्लस एल की मदद से लॉक कर देते हैं सिस्टम, इसको सिस्टम को पासवर्ड नहीं है, इसके लिए इसका लॉक ऑटोमेटिक ओपन रहता, कंट्रोल प्लस एल कर दिए
यहाँ पे लॉक हो गया। अगर आप इसमें पासवर्ड रखें तो हमें कोड पूछता है, इसमें पासवर्ड है नहीं, की वजह से आपको इजीली ओपन हो जाओ। ठीक है, कंट्रोल सॉरी विंडो प्लस एल, विंडो प्लस एल ओपन करने के लिए एंटर करो। जो पासवर्ड रखी है आप, पासवर्ड टाइप करके उसको देना पड़ता है, इसमें तो पासवर्ड कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको ओपन करना। विंडो प्लस ई, विंडो प्लस ई माई कंप्यूटर, जो आप पासवर्ड रखते हैं ना सिस्टम को, वो लॉक करने के लिए विंडो प्लस ई का इस्तेमाल करना। जो पासवर्ड रखे आप वो खुलने के बाद ऑटोमेटिक ओपन कर देना। नेक्स्ट, विंडो प्लस ई ओपन माई कंप्यूटर, ओपन माई कंप्यूटर और एक्सप्लोरर। माई कंप्यूटर ओपन करना है तो आपको फाइल देखना है, तो आपको आसानी से इसकी मदद से विंडो प्लस ई की मदद से जाके आप डायरेक्टरी में दे सकते हैं। नेक्स्ट, विंडो प्लस डी शो डेस्कटॉप, आप कुछ काम कर रहे हैं अगर आपको डेस्कटॉप देखना है तो जस्ट यू कैन टाइप विंडो प्लस डी। नेक्स्ट, विंडो प्लस एफ कुछ सर्च कर रहे हैं तो आप एफ की मदद से सर्च कर सकते हैं। विंडो प्लस आर जो भी एमएस वर्ड का फाइल है हमारा, वर्ड एक्सेल या कैलकुलेटर ओपन करने के लिए हम विंडो प्लस आर की मदद से रन कमांड ओपन कर दें। रन कमांड के लिए विंडो प्लस आर, रन कमांड ओपन जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देख के अपन टाइप करके जो भी शॉर्टकट की है उसके विन वर्ड के टाइप करते क्या ओपन होता, वहां पहले लिखा हुआ है पावर पॉइंट विन वर्ड डब्ल्यू आई एन डब्ल्यू ओ आर डी एक्सेल में लिखा था, दैट्स इट। उसके लिए है विंडो प्लस आर ओपन रन कमांड ऑल्ट प्लस टैब। अब इसके अंदर दो से तीन फाइल ओपन है, एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने के लिए आपको ऑल्ट प्लस टैब की मदद से जितनी बार आप टैब यूज करेंगे आपको जाकर कौन सी फाइल बनाए उसमें जाकर छोड़ दो फाइल ओपन। ऑल्ट प्लस, ऑल्ट प्लस टैब। नेक्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन है ऑल्ट प्लस F4, क्लोज एनी फाइल एट, एग्जाम का ही से क्वेश्चन था ऑल्ट F4 डैश द फाइल, आंसर था क्लोज, क्लोज एनी फाइल एंड शटडाउन। अगर आप कंप्यूटर शटडाउन भी करना है तो आप ऑल्ट F4 की मदद से आप कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हैं और ऑल्ट F4 की मदद से आप फाइल क्लोज भी कर सकते हैं। हर फाइल को आप यहां जाके रेड के ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट की है ऑल्ट F4 की मदद से भी आप फाइल जो भी आप इंटरनेट का ब्राउजर वगैरह ओपन करें उसको भी आप क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, शिफ्ट टू प्लस डिलीट, परमानेंट डिलीट। शिफ्ट टू प्लस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंपरेरी डिलीट एंड परमानेंट? प्रैक्टिकली करेंगे हम फाइल को, अगर आप राइट क्लिक देके या कीबोर्ड में जो डिलीट का बटन रहता है वो डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में स्टोर रहती फाइल, अगेन यू कैन रिस्टोर दैट फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन टू डेस्कटॉप। अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है रिसाइकल बिन में नहीं रखना है उसको, देन शिफ्ट प्लस डिलीट, फाइल जो भी सिलेक्ट करें आप शिफ्ट बटन करने के बाद डिलीट। तो कंप्यूटर जब पूछता आपको यू वांट टू डिलीट परमानेंटली उसको डाउट आता, अरे नो गलती से उसमें लेकर के क्या होगी, क्योंकि थोड़े लोगों को क्या है तारे डिलीट कर देते हैं हमारे को रिसेंटली उसका फाइल मिल जाती मुझे ऐसा समझने का रहता। लेकिन आपको परमानेंट डिलीट के लिए, परमानेंट डिलीट जब करना जब आपको फाइल कंप्लीटली सिस्टम से निकाल देना चाहते हैं। अगर आप रिसेंटली बिन में जाके क्रैश कर सकते हो उसको, मतलब तो आप स्कूल में जॉब कर रहे डेली डिलीट कर रहे हफ्ते में एक बार इसे भी बिन खाली करना चाह रहे हो, अब इजीली इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करो जहां पर इसे के लिए बिन है, अब यहां पे जो वो आपको अंदर कुछ फाइल्स है जैसा दिखा रहा, राइट क्लिक करने के बाद एम्प्टी रिसेंटली बिन बोल क्या एम्प्टी रिसेंटली बिन मतलब क्या है, पूरा खाली कर देना, उसमें से निकलने के बाद फाइल आपके सिस्टम में भी नहीं मिलती, दैट इज कॉल्ड परमानेंट डिलीट। ओके, अगर आप उसके अंदर जाने के बाद कुछ ऐसे फाइल्स है जो आपके इंपॉर्टेंट है आपको गलती से वो डिलीट हो गया, ओके उसके ऊपर जाके आप रीस्टोर करके कर दो, जहां से आप वो फाइल को डिलीट करें वो फाइल वहां पर। तो ये है आपके दो चीजों के अंदर फर्क,
परमानेंट डिलीट था टेंपरेरी परमानेंट के लिए जस्ट यू कैन सिलेक्ट शिफ्ट प्लस शिफ्ट की पकड़ने के बाद आप डिलीट ऊपर कर दो तो कंप्यूटर पूछता आपको यू वांट टू डिलीट परमानेंटली यस ओनली बोलिए तो ऑटोमेटिक चल जाता है. फॉर एग्जांपल यहां पे टाइपिंग स्ट्रिंग की फाइल है ठीक है शिफ्ट टू प्लस डिलीट होके कर दो. आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस क्या कंफर्म है कि ये परमानेंटली आपके यहां से यस बोलिए बोलो वहां से क्या हुआ टोटल सिस्टम से और फाइल परमानेंट डिलीट हुई. नेक्स्ट शिफ्ट टू प्लस टैब शिफ्ट टू प्लस टैब एक फॉर्म है एक फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ब्राउजर है वो ब्राउजर के ऊपर आप कुछ काम कर रहे हैं तो गूगल क्रोम ओपन कर दीजिए जाकर गूगल ओपन कर दिया लेकिन एक्चुअली मेरे गूगल की जगह जीमेल ओपन करना था. एड्रेस बार हमने लिखा आपको गूगल गूगल ओपन हो गया लेकिन मेरे को क्या है जीमेल ओपन करना था तो इसके लिए हम बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते बट हियर द शॉर्टकट की इज शिफ्ट टू प्लस टैब. अगर शिफ्ट टू प्लस टैब यूज करने से जहां पर प्रीवियस ऑप्शन से जाओ पीछे आ जाओ टू प्लस टैब आप जितनी बार दबा सवाल करेंगे आपका कर्सर ऊपर चल सकता है और जो नीचे आ रहा है हम टैब यूज कर सकते हैं. अब वहां देखो मैं गूगल की जगह जीमेल में टाइप कर दिया ओके कंट्रोल प्लस एंटर ओके टाइप कर दिया जीमेल आ गया. फिर मैं दोबारा से अगर उसको गूगल टाइप करना चाह रहा हूं तो शिफ्ट टू प्लस टैब पीछे जाने के लिए गूगल दोबारा से ओके गो बैक इन एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं ऑप्शन पीछे जाने के लिए आप शिफ्ट टू प्लस टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं. कंट्रोल प्लस एंटर का भी एक बार एग्जांपल हुआ था ऑटो ऐड ऑटोमेटिक www.and.com एक्सेल कर लेता अगर आप कुछ भी गूगल पर लिखे लिखने के बाद कंट्रोल प्लस ऑल मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाया था गूगल पर लिख दिया ऊपर कंट्रोल प्लस एंटर करके टाइप करें तो ऑटोमेटिक www.andpc.com लेके जो भी साइट है ओपन कर दूंगा. नेक्स्ट कंट्रोल प्लस टैब कंट्रोल प्लस टैब इज अ शॉर्टकट की विच इज स्विच बिटवीन टैब्स इन ब्राउजर एंड अदर फाइल्स. आप अगर एमएस वर्ड के एमएस एक्सेल के दो फाइल्स ओपन कर दिए एक बार एमएस वर्ड में काम रहेगा आपको एक बार एमएस एक्सेल में काम रहेगा तो आप दोनों में स्विच होने के लिए एक फाइल से वो फाइल में और वो फाइल से एक फाइल में आने के लिए ऑप्शन यूज कर सकते हैं. यूज करने के लिए आपको क्या करना ऑप्शन बोलिए कंट्रोल प्लस टैब आर्ट प्लस टैब नहीं आर्ट वो उसका ऑप्शन अलग है मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ स्विच बिटवीन टैब टू ब्राउजर ओके ये रिवर्स भी है उसके अंदर उसके बाद में रिवर्स भी है अगर आप सामने गए तो पीछे आने के लिए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस टैब प्लस शिफ्ट कंट्रोल प्लस टैब प्लस शिफ्ट रिवर्स हो ऑलरेडी ऑलरेडी के बारे में कितने लोग पढ़े एड्रेस सिलेक्ट एड्रेस इन ब्राउजर. फॉर एग्जांपल ये देखो पैसे पहले आपको बताया पीछे जाने के लिए क्या करना शिफ्ट टू प्लस टैब यूज करना. अगर आप ऑल्ट टू प्लस डी बोल के सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे एड्रेस बार में सिलेक्ट होगा. एड्रेस बार को सिलेक्ट करता हूं वहां पे जाके आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं. ऑल्ट टू प्लस डी इंटरनेट का शॉर्टकट की से ओनली फॉर इंटरनेट यूज करने वाले ठीक है. नेक्स्ट एंड लास्ट विंडो प्लस एम मिनिमाइज द ओपनिंग फाइल
एक फाइल ओपन है उसको मिनिमाइज करने के लिए आप विंडो प्लस एफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट नहीं करिए तो इस बार नोट कर लो, क्योंकि टोटल कितने और बोले इसके शॉर्टकट की जरूरत, लेकिन मैं सिर्फ 21 तक आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए कवर करके दिया हूँ। एक बार अगर कोई नोट नहीं करिए तो कर लीजिए। ऑल टू प्लस है, देखो ये फाइल है, ये फाइल को मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। मैक्सिमाइज करने के लिए ऑल टू प्लस है, ब्राउजर में आपको टैब से देना, देखो ये ऑप्शन जो है कंट्रोल प्लस टैब स्विच बिटवीन टैब्स इन ब्राउजर। अब देखो मेरे पास एक ब्राउजर है, फॉर एग्जांपल ये है, इसके अंदर क्या है, गूगल है, विंडो है, हिस्ट्री है, सेटिंग है, एडोब है, ओके। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करने से मैं क्या करूँ, इस सर्विस में चले जाऊँ, ओके। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक ऑप्शन, इसके नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, कंट्रोल प्लस टैब प्लस शिफ्ट स्विच बिटवीन टैब्स इन ब्राउजर रिवर्स, सामने गए तो क्या करते हैं, बिल्कुल पीछे आते हैं, उसका ऐसे मैं ऑप्शन दे दूं, कंट्रोल प्लस टैब प्लस शिफ्ट पीछे पीछे रिवर्स, ये क्या है, ज्यादा ऑप्शंस आपके यूज रहते हैं, फिर भी आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी एग्जाम पेपर सकता हो या कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट कर सकता है, जो वाले भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं ऑफिस में जॉब करें, आप कहीं भी करें, तो कंप्यूटर के बारे में हर नॉलेज रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक टैब से दूसरे टैब पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ओके। ये टैब जो है मतलब जो है ये ओपन विंडो, इसको बोलते तो मैक्सिमाइज करना है, उसका शॉर्टकट मैक्सिमाइज मतलब देखो जब फाइल को मिनिमाइज करके बाहर जा रहे हैं, अब ये फाइल ओपन है, इसको मिनिमाइज करने के लिए ऑल्ट टू प्लस स्पेस यस। अब क्या हुआ, वो फाइल आपको उसको मैक्सिमाइज करने के लिए ऑल्ट टू प्लस टैब, ऑल्ट टू प्लस टैब की मदद से आप जितने भी ओपन फाइल्स है उसको आप मिनिमाइज में मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, अब प्रेजेंट एक्सेल ओपन कर रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँ, Alt plus tab ओपन करके इसे जैसे हेड बना Alt छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक मेरे को वहां पे फाइल ओपन हो जाता है। दिस इज अ डिफरेंस, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक इंटरनेट के जितने भी शॉर्टकट कीज है उसमें कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डाउट्स अगर कोई नोट नहीं करिए तो नोट कर लीजिए शॉर्टकट कीज। फास्ट और उसे हम क्या क्या ओपन कर सकते हैं, टाइप और रिजल्ट, क्या टाइप करते क्या ओपन होगा, सॉरी ओपन रन कमांड की मदद से टाइप और रिजल्ट। अगर नोट पैड करके आप टाइप कर दिए तो आपको नोट पैड ओपन हो जाता, विंड वर्ड की कर दिए तो एमएस वर्ड की फाइल ओपन रहेगी, एक्सेल रुकी कर दिए तो एमएस एक्सेल की फाइल ओपन रहेगी। पावर पी एंड टी पूरा लिखना नहीं है तुम्हारे को, पावर पी एंड टी फॉर पावर पॉइंट कैल्क सी ए एल सी सी ए एल सी लिखा, आपको कैलकुलेटर बोला था एट ए टाइम, इफ यू वांट टू फास्ट योर वर्क, अगर आप फास्ट काम कर रहे हैं आपको कैलकुलेटर ओपन करना है, उन पर बात कर रही तो फोन में कैलकुलेटर ओपन नहीं कर सकते हम लोग। इसके लिए क्या है, विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर करने के बाद सी ए एल सी, चाहे आप कैप्स लिखो या स्मॉल लेटर्स में लिखो, आपको कैलकुलेटर ओपन करना है। कीबोर्ड के रजिस्टर में जो भी कीज है वो किसी मदद से आप कैलकुलेशन करके उसको रिजल्ट फोन के जरिए सामने वाले को बता सकते हैं, या आप सिस्टम के ऊपर काम करें लेकिन आपके पास फोन नहीं है, आपको अगर कुछ कैलकुलेट करना है तो आप उस मदद से भी रन के बाद ओपन करके कैश ही ओपन कर सकते हैं। सी ए एल सी एक बार आप ध्यान रखना, या तो नोट कर लो बाद में क्या है जाते हैं, सी ए एल सी इसको एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। ये चार ये पाँच जो है आपको पॉइंट है, जो भी ज्यादा वर्क करेंगे आप वर्ड एक्सेल वर्ड एक्सेल इसमें अगर आप कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो जब उसके ऊपर काम करेंगे क्या चीज़ों कभी भी यूज हो सकता है। नोट पैड वो
पहले करते थे नोटपैड में ऑप्शन कब कब रहते मैं बार आपको नोटपैड खोल के दिखाया था नोटपैड घर में ऑफिस में सिस्टम है उनका क्या हो रहा सिस्टम स्लो हो जा रहा मतलब काम नहीं कर रहा स्पीड फास्ट नहीं तो उस टाइम पे टेम्पररी फाइल्स रहते उसके टेम्पररी फाइल्स के लिए भी आप क्या करना रन कमांड ओपन करना पड़ता रन कमांड ओपन करने के बाद सबसे पहले आप क्या लिखेंगे परसेंटेज टीईएमपी इन परसेंटेज ओपन रन कमांड उसमें रन कमांड में जब टेम्पररी फाइल्स ओपन हुए तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिखा दूँ विंडो प्लस ऑन रन कमांड TEMP इसमें जितने भी टेम्पररी फाइल्स हैं आपको डिस्प्ले कर देता है टेम्पररी फाइल अगर आप उसको डिलीट कर रहा है तो सबसे पहले कंट्रोल ये नहीं रहते ये क्या है आपको टेम्पररी फाइल्स रहते हैं सिस्टम के रिलेटेड नहीं रहते अगर आप उसको सिस्टम की स्पीड फास्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं सबसे पहले कंट्रोल ये सिलेक्ट करने के बाद डिलीट ओके अब सिस्टम स्पीड जो है फास्ट है उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या है टेम्प ओनली टेम्प टेम्पररी फाइल्स लगे ओपन टेम्प फाइल्स लगे इसके लिए भी देखो विंडो प्लस आर टीईएमपी यू डोंट करेंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज टेम्प एंड ओनली टेम्प परसेंटेज टेम्प बोले तो क्या है वो आपके रैम में रहते ये जो टेम्प फाइल्स है एक्चुअली ऐसा ओपन नहीं होते जैसे सिस्टम को अथॉरिटी नहीं थी जैसा यहाँ पे लिखा सिर्फ आप जब कभी कॉर्पोरेट लेवल पे काम करेंगे बड़े बड़े कंपनीज में आपके जो सिस्टम्स रहते हैं सुपर फास्ट कंप्यूटर्स रहते तो उसमें आपको टेम्प फाइल्स के हाथ है इसका एक्सेस डिलीट है और उनको एक्सेस भी नहीं थे दोबारा आप क्या करें अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो इसको कर सकते हैं आप लेकिन दूसरे कंप्यूटर से जाकर आप ओनली टेम्प का मीनिंग भी टेम्पररी है टेम्पररी शब्द ओके तो ये ओपन नहीं हो रहा इसका मतलब है कंप्यूटर में आपको एक्सेस नहीं थर्ड रीसेंट रीसेंट फाइल्स अगर आप सुबह में 6-7 फाइल के ऊपर काम करें लेकिन उसे भी फाइल को आप सेव नहीं करें अगर सेव करें तो क्या करता है आपको हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है या डेस्कटॉप में रीसेंट फाइल्स रीसेंट फाइल्स के लिए कंट्रोल प्लस आर आर ई सी एम जो भी आप फोटोज देखे रिसेंटली जो भी आप उसके अंदर कैप्चरिंग करें सो वो वेब साइट पर ऊपर रहता है अगर आप उसे निकाल रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल ए की मदद से डिलीट कर सकते वैसे क्या है प्रिफेक्ट कुकीज विल बी इंटरनेट अगर आप सिक्योर वेबसाइट भी ओपन नहीं करें तो जब भी आप जाए तेरे कुकीज बोलेंगे ऐड करते उसके ओके ऑटोमेटिक फाइल्स आप कुछ वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो ऑफिशियल ही है फिर भी आप उसको प्रोसीड कर रहे हो कुकीज से आप प्रिफेक्ट की मदद से उसको भी निकाल सकते फाइन इसमें आप कुकीज को डोर रहे तो पूछ सकते Anybody have any doubt? Practices make perfect. Okay. Next. Guys, please, अगर कोई note लेना है तो note कर लीजिए. एक्सेल शॉर्टकट कीज एक्सेल के साथ साथ क्या है थोड़े ऐसे शॉर्टकट कीज है जो आपको एमएस वर्ड में भी मिलते जुलते रहते एक्सेल और वर्ड में आपको ऐसे शॉर्टकट कीज है जो तकरीबन आपको फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल ये है सिलेक्ट ऑफ द ऑल द कंटेंट ऑफ द वैसे तो आप टॉप पर भी ले सकते हो क्योंकि अगर आपको एमएस वर्ड में भी कुछ सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए की मदद से कर सकते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल बी कंट्रोल सी ये तो इसी आलू पढ़ा सकते हैं कंट्रोल डी डुप्लीकेट और फिल डाउन कंट्रोल एफ कंट्रोल जी कंट्रोल आई कंट्रोल के कंट्रोल एल और टी
एस भी कर सकते हैं, क्रिएट टेबल। अगर आप एक एमएस वर्ड की फाइल यूज कर रहे हैं, इसके अंदर आपको एक टेबल बनाना है, जब आप कंट्रोल एल और टी की मदद से कर सकते हैं। कंट्रोल एल ऑलरेडी वर्कशीट के ऊपर काम कर लिया, और एक और फाइल के लिए, न्यू फाइल के लिए आप कंट्रोल एल का कंट्रोल वो ओपन द सेव भी बोल सकते हैं, या तो एग्जिस्टिंग भी बोल सकते हैं। एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी जो उसके अंदर फाइल है उसको ही बोल सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल आर के बारे में करें आप प्रैक्टिकल। कंट्रोल आर का आपको दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नाम लिख दिया टीएलए, कंट्रोल डी की मदद से यहाँ ऊपर का नीचे डुप्लीकेट आया था, वैसे आपको राइट साइड पे आने के लिए कंट्रोल प्लस इसके राइट पे आने के लिए कंट्रोल प्लस आर करते, इसके बाद जो भी है व्हाट एवर इट में भी वो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे आर आ जाता है।